Hey guys, welcome back to my YouTube channel. Welcome back to a brand new episode. बहुत सारे लोग मुझे बोल रहे थे कि पोजिंग के ऊपर वीडियो बनाओ, तो मुझे लगा कि अगर मैं पोजिंग करते हुए बताऊंगा तो उतना अच्छे से एक्सप्लेन नहीं कर पाऊंगा. तो यहाँ पे है मेरे दोस्त सागर मकवाना, हमारे इंडिया के बहुत ही अच्छे एथलीट है. एक हफ्ते बाद इनका शो है नेक्स्ट वीकेंड पे, तो सबसे पहले तो इनको गुड लक. आप लोग भी कमेंट में सागर मकवाना को गुड लक बोल देना. इनको इंस्टाग्राम पे नहीं फॉलो करते तो इनका आईडी टैग कर देता, इनको फॉलो करिए और बहुत अच्छे लग रहे. तो सागर पहले भी एक दो बार आ चुका है पोजिंग करेक्ट करने के लिए, इज अ गुड फ्रेंड. तो अभी मौका मिला, मैंने बोला कि इसकी पोजिंग भी करेक्ट हो जाएगी और आप लोगों के लिए एक वीडियो भी हो जाएगी. हम लोग कोशिश करेंगे कि जितना ज़्यादा से ज़्यादा पोजिंग से रिलेटेड इन्फॉर्मेटिव है, इन्फॉर्मेशन है, वो आपको दे सके. एंड दिस विल बी कम्प्लीटली ऑल अबाउट मेंस फिजिक पोजिंग. सागर, तेरी पोजिंग ना पहले से बहुत इम्प्रूव हुई है, लेकिन कुछ कुछ छोटी छोटी चीजें जो करेक्ट करने से शायद और बॉडी बेटर लगे, जो मेरा एक्सपीरियंस था. जो लास्ट वाला पोज था वो फिर से करना, लास्ट वाला. तो जब कभी भी मेंस फिजिक पोजिंग कर दी ना, तो ये जो है ना, एब्स के ऊपर बैठना नहीं है, एब्स को क्रंच करना. तो क्रंच करने के बाद में चेस्ट अप रहेगा. यूजुअली क्या होता है कि एब्स के ऊपर बैठने के चक्कर में एब्स भी नहीं दिख पाते और चेस्ट है छोटा दिखता है. तो कीप योर चेस्ट हाई, पोज हाई. यस, इफ यू डूइंग दिस पोज, दिस इज द बेस्ट पोजीशन. जो पहले कर रहा था उसमें और इसमें डिफरेंस देखा. पहले क्या कर रहा था, सी एंड डू द वन आई सेड. यस, एग्जैक्टली. यस, बट अगेन ये पोज बहुत प्रेफरेबल नहीं है. आई थिंक इससे बेटर पोजेस है जो तुझ पे सूट करते. ये पोज है जो बहुत लोगों पे सूट करते, बट तुझ पे इससे बेटर पोज है. जो फर्स्ट पोज तूने मारा था फ्रेंड का, ओके, यहाँ पे भी सेम प्रॉब्लम है. चेस्ट राउंड हो जा रहा है और एब्स के ऊपर बैठ जा रहा है. कीप योर चेस्ट ओपन एंड अप. सी एब्स, जितना एक्सेल करेगा उतना एब्स शार्प दिखेगा. एब्स के ऊपर बैठने से एब्स शार्प नहीं दिखेगा. तो व्हेन यू एक्सेल, लुक इन द मिरर, व्हेन यू एक्सेल ना, इट लुक्स अमेजिंग. इंस्टेड ऑफ यू सिट ऑन द एब्स, जस्ट अ लिटिल मोर ओपन हियर. सो व्हेन यू डू पोज, ओपन एंड पुल, थोड़ा सा जितना लेंस भी दिखेगा उतना बेटर है, वाइड लगेगा. एंड होल्ड कर लिया चीज. यस, वेरी नाइस, वेरी नाइस. डोंट स्क्वीज दिस, डोंट स्क्वीज दिस. जिस चेस को स्क्वीज करने जाएगा छोटा लगेगा. मच मच बेटर. ये वाला काफ रेस करना, क्योंकि जो काफ तुमने उठाया वो काफ दिखता ही नहीं है. एक्चुअली दिखेगा ये काफ ये पोज. Yes. Very, very nice. Much better than what you did in the beginning. Okay. Now do it other side if you are comfortable. तुझे नहीं लगता कि पहली साइड से ज्यादा वाइड इसमें दिख रहे हो? Then why that? उसमें सिर्फ abs अच्छे दिख रहे, लेकिन इसमें ओवरऑल पूरा लुक फील जो आ रहा है ना, वो अच्छा दिख रहा है. आप लोगों को यह समझना है कि आपके ऊपर कौन सा पोज सूट कर रहा है. जरूरी नहीं है कि वो इंसान ऐसा मार रहा है या वो इंसान ऐसा मार रहा है तो मैं भी वैसा मारूं. इट इज ऑल अबाउट कि आपकी बॉडी के ऊपर कौन सा पोज सूट कर रहा है. लेकिन कोई भी पोज आप करते हो तो आपको, जैसे मैंने एब्स वाली टिप बताई कि एब्स के ऊपर बैठना नहीं है, उसको स्क्वीज करना है, चेस्ट को वाइड करके आप रखना, थोड़ा सा इधर ना, सी यहां पे दो फिंगर. इंस्टेंट ऑफ पुट, ये यहां से पुट करेगा तो ये ऊपर दिखेगा. हाँ, दो फिंगर, टू फिंगर ऑन योर हेयर,
Yes. Very nice. Do it the other way. अभी इन केस अगर जजेस बोलते हैं आई वांट टू सी फ्रंट नाउ यू कैन डू द सेम पोज इन फ्रंट जो फ्रंट करके जस्ट ये जो है ना हिप को ट्विस्ट करना है बस थोड़ा सा फेस इधर हाँ पास 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 दिस इज व्हाट इट कैन बी काउंटेड एज योर फ्रंट बिकॉज जो फेडरेशन में आप खेलते हो वहां पर बहुत सारे बार बोलते हैं कि हमको फ्रंट दिखाओ तो फ्रंट आप ये दिखा सकते हो This is also looking good, but जब आप ये करके squeeze करते हो chest को तो छोटा होता है। Remember जो मैंने बोला दो चीज हमेशा याद रखना abs के ऊपर कभी मत बैठना chest को कभी भी squeeze मत करना chest हमेशा up and exhale। Don't do this. You don't need to do this. Yeah. Do your back pose. You see this pose? Now open this. See the difference. It's just a small difference. It did everything perfectly. It didn't open well. You do it again. जितना आपने किया सब कुछ सही किया बट आप एक जगह पे आके रुके क्योंकि आपको लगा यहाँ पे मेरा मसल में कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है आप ये मत देखो कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है बिकॉज यू आर नॉट ट्रेनिंग टू गेट द हाइपरट्रॉफी यू आर पोजिंग टू गेट द पोजिंग यू हैव टू वाइड द ओपन एंड क्योंकि आपकी बॉडी में फैट परसेंटेज इतना कम रहता है कि मसल दिख के ही आना है अंटिल अनलेस यू आर नॉट फैट ऑन स्टेज ठीक है डू इट अगेन यस यस ओपन मोर शोल्डर रिलैक्स एंड ओपन लेट्स स्प्रेड कर हाथ छोड़ो बस सी नाउ See now. More. You can open. Actually, you can open a little more. Open. Pura light spread. Kar. Ab haath chhod. Ab peeche thoda sa aaya. Yes. You're looking much better than what you were looking in the beginning. Practice this one more time. Up. Yes, open, leave. अब जब ये कर रहे हो ना तुम ये करने के बाद में तुम थोड़ा सा ऐसे हो जाए Yes. थोड़ा सा बस You don't have to bend too much here and there. 90 degree का टारगेट रखो पूरा खोल दिए लेग स्प्रेड हाथ छोड़ना बस और कुछ नहीं है कितना बड़ा लग रहा है बैक पहले से जो तुम पोज कर रहे थे उससे कितना बड़ा लग रहा है आई शो यू इन द वीडियो सो बहुत सारे फेडरेशन में ऐसा भी होता है कि आप लेग स्प्रेड नहीं मार सकते तो उसकी जगह पे एक और अल्टरनेटिव है जो मैं आपको बता रहा हूं सी दिस डू इट अगेन क्लोज एंड देन ओपन लाइक अ लेग स्प्रेड यस थोड़ा सा और ओपन Yes. Shoulder हमेशा relax रहेगा. Very nice. Front. ये जो pose है ना, इसको hold करना 2 seconds, 3 seconds. Face उधर रखें, नीचे नहीं. Face हमेशा judges के आगे ना रखें, इसको hold करें. और ये जब hold करते हो ना, तो ये भी पूरा tight होना चाहिए. Ab, tricep, bicep सब ठीक. अभी भी ब्रीथ नहीं कर रहा यस मोर यू एक्सेल जब निकलेगा ना यहां पे तेरे को ऐसा लगेगा किसी ने ना मेरा एब्स से पकड़ लिया अंदर से लाइक लिटरली किसी ने खींच लिया एंड वो खींचने वाला इंसान तो खुद ही है तुझे खुद को खींचना है यस सी ये चेस्ट अप हां लुक Beautiful.
और ये जब पोज छोड़ते हो ना तो रिलैक्स मत हो, abs हमेशा टाइट ही होना चाहिए, abs हमेशा टाइट ही होना चाहिए। हाँ ये वाला पोज अच्छा नहीं लग रहा है, तुमने किया नहीं लगा, वो अच्छा लग रहा है। यस और निकलेगा, सो यू अगेन ट्राइंग टू सेट ऑन दैट। ये गलती तुमने स्टेज पे करी थी, तुम्हें बता था, उसमें क्या होता है ना, रोल हो जाता है, ऐसा लगता है अंदर खड्डा हो गया, रोल नहीं करना, वैक्यूम नहीं करना, यू हैव टू पोज, वो इजी, ये टाइट है ना, डू द बैक अगेन, यस यस, very nice, way better, way better, बहुत अच्छा। अच्छा इस पे अगर कभी ऐसा होता है कि ब्रीथलेस हो गया तो नीचे जाके, एंड नीचे जब गया ना तो खींच के ही ऊपर आने का डायरेक्ट, नीचे जब गया ना तो ऐसा रुक के ऊपर आके नहीं खींचने का, नीचे गया तो खींच के ही ऊपर आने का डायरेक्ट। यस, थोड़े दिन में ना जब ये तू करता रहेगा ना तो ये प्रैक्टिस करता रहेगा, तुझे इसकी जरूरत ही नहीं पड़ेगी, तू कट करके ऐसा खोल देगा, एवरी डे प्रैक्टिस कर, खोल दिया अभी, खोल दिया तुमने, इट इज ऑल अबाउट प्रैक्टिस। हम लोग सबसे ज्यादा गलती, मैं खुद करता हूँ ये गलती, सब करते हैं, ऐसा लगता है 8 हफ्ते पहले पोजिंग प्रैक्टिस एवरी डे, 6 हफ्ते पहले पोजिंग प्रैक्टिस एवरी डे, 4 हफ्ते पहले पोजिंग प्रैक्टिस एवरी डे, लास्ट के 3 दिन बचते तब बोलते हैं यार अब तो रोज करना ही पड़ेगा। पोजिंग प्रैक्टिस शुड बी एवरी डे, मैं खुद चालू किया पोजिंग प्रैक्टिस, थोड़ा इम्प्रूव कर रहा हूँ, तो हाउज इट, बहुत अच्छा था ये, नेक्स्ट टाइम मेरा सेशन आपके साथ, और काफ़ी सारी चीज़ें आपने एडवांस मुझे भी सीखी जो लास्ट टाइम से भी ज़्यादा कुछ एडवांस है, बॉडी भी एडवांस हो गई, बहुत अच्छा एडवांस मुझे इनसे नॉलेज मिला, इज डूइंग गुड जॉब और इज गुड गाय। होपफुली आप लोगों को भी कुछ सीखने मिला होगा, जो पोजिंग की वीडियो मांगते थे तो ये रही आपके लिए पोजिंग की वीडियो। आई होप कि मैं इस वीडियो के जरिए आप लोगों को कुछ समझा पाया, सिखा पाया, एंड सागर को ऑल द बेस्ट, मुझे भी ऑल द बेस्ट, आपको भी ऑल द बेस्ट, बहुत जल्दी मिलते हैं एक और नए वीडियो के साथ, टिल देन टेक केयर ऑफ योरसेल्फ एंड योर फैमिली, जय हिंद।